बच्चे भी ना जाने क्या क्या छोड़ देते हैं रूम में। बेला 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 उठो उठो भागो जल्दी भागो यहाँ से। रुक रुक अभी। बेला जाओ मासी को बुलाओ। रुक मुझे मारता मुझे मारता। रुक 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 कहाँ जाएगा भाग के। रुक रुक बचाओ बचाओ जिन्हें वो मस्ती कहो आप। यहाँ छुपा है मुन्ना राजा। जब एक गोली चलाएगा मालिनी जी। जी मैं ही हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। राज कहाँ है? जी अंदर आइए दिखाते हैं। लाज भी ज्यादा पुरानी नहीं लग रही सर, खून कल रात ही हुआ होगा। मालिनी जी क्या आप इसे जानती हैं? नहीं मैं इसे नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? लाश आपके घर में पड़ी और आप जानती नहीं? जी मैं तो रोज तो हैरान हूँ कि ये लाश यहाँ पे आई कैसे। इसे तो मैंने आप लोगों को फोन किया। कमाल है, आपके घर में एक आदमी की लाश पड़ी है, लाश यहाँ सो रही है और आप कह रही हैं आप इस आदमी को नहीं जानती। मगर मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे नहीं जानती हूँ। इसे तो मैंने आप लोगों को फोन किया, आप समझा कीजिए। अच्छा ये बताओ तुमने इस लाश को देखा कब? जी जब मैं सुबह घर लौटी तो देखा यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने आप लोगों को फोन कर दिया। रात भर कहाँ थी आप? जी मैं नर्स हूँ और नाइट ड्यूटी कर रही थी। अच्छा ड्यूटी पे जाने से पहले आपने घर का दरवाजा तो बंद कर दिया था ना? जी जी किया था। अच्छा दरवाजा बंद किया था तो फिर ये आदमी अंदर आया कैसे? पता नहीं मालिनी जी, पता नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। आपके घर में खून हुआ है, लाश पड़ी है आपके घर में, समझिया? दरवाजे खिड़कियां सब चेक करो। बॉडी को चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? यस। सर कुछ नहीं मिला सर। पर्स भी नहीं मिली? ये पर्स तो छोड़ो सर, इसके पास वाइफ की एक फोटो तक नहीं है। सब खिड़की और ताला ठीक ठाक है सर, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसका मतलब किसी और रास्ते से अंदर आया ये। रेडी विवेक एक काम करो, बाहर जाके देखो कोई और रास्ता है क्या, सब खिड़की दरवाजे वगैरह चेक करो। मालिनी जी आप घर में अकेली रहती हैं या आपके साथ और भी कोई है? जी मेरे अलावा मेरे दो बच्चे और मेरी बहन रहते हैं। और आपके पति? जी मेरे पति कनाडा में जॉब करते हैं। अच्छा इस वक्त कहाँ है आपकी बहन और बच्चे? जी इस वक्त तो वो बच्चों को स्कूल लेके जाती है। पर स्कूल तो अभी सुबह गए होंगे ना, और ये लाश यहाँ पड़ी है रात से, तो स्कूल जाते समय ये लाश दिखाई नहीं पड़ी उनको? गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं पड़ी क्या? अगर पहले लाश उन लोगों ने देखी तो उन्हें आपको या हमें बताना चाहिए था, कम से कम बुलाना तो चाहिए।
मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। हे भगवान, कहीं उन्हें कुछ ना हो गया हो। पूरे बंगले में सिर्फ यही एक दरवाजा है और सारी खिड़कियां बंद है, कोई कांच भी टूटा हुआ नहीं। अगर घर के अंदर घुसने के लिए सिर्फ यही एक दरवाजा है तो वह आदमी भी इसी दरवाजे से अंदर घुसा होगा। लगता तो यही है सर। लेकिन कैसे घुसा होगा अंदर, कैसे घुसा होगा? विवेक, झाड़ियों के पीछे कुछ है, चलो। ओ माय गॉड, भगवान, क्या हुआ मेरी बहन को? नीलिमा, 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 प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। आप डरिए मत, इनकी नस चल रही है, सिर्फ बेहोश है। मालिनी जी, आप जरा प्लीज बाजू में खड़े होइए, पानी लेकर आओ जल्दी। लगता है इसने खूनी को देखा है, शायद हाथापाई हुई होगी खूनी के साथ और ये गिर गई। सिर पे चोट है मगर इतनी सी चोट से बेहोश कैसे हो गई? अगर अगर नीलिमा यहाँ है तो मेरे बच्चे, ये भगवान, कहीं उन्हें कुछ। गार्ड, बेला, गार्ड, बेला। नीलिमा, 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 आप लोग कौन है? देखो, हम लोग सीआईडी से हैं। ये सब कैसे हुआ, बेहोश कैसे हो गई? तो कौन है? बच्चे कहाँ? गर्व, बेला, गर्व, बेला, कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है मेरे बच्चे, बताओ। उस आदमी, किस आदमी ने, बोलो ले गया। ये लाश किसकी है? कल रात इसे किसने गोली मार दी? क्या हुआ, क्या बात है? तो वही आदमी। कौन? वही जो कल रात बच्चों को भगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे रोकना चाहा और इसने मुझे धक्का मार के गिरा दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। आपके सामने अंधेरा सा छा गया और अब होश आया। अच्छा, वो बच्चे कहाँ है और इसे किसने मारा, कुछ पता? मुझे नहीं पता, मैंने बस बच्चों को भागते हुए देखा था। भगवान करे मेरे बच्चे सही सलामत हो। विवेक, बॉडी को फॉरेंसिक लैब लेके दे, ले जाइए। एक बार बताइए, ये कोई आपके बच्चों को क्यों ले जाना चाहेगा? शायद किडनैप करना चाहते होंगे पैसों के लिए। घर से किडनैप? बात जरा अजीब लगती है। मान लिया कि आदमी बच्चों को किडनैप करने आया था, मगर इसे किसने मारा है? और बच्चे गए तो गए कहाँ? तो या तो वो खूनी जिसने इस आदमी को मारा है वो ले गया बच्चों को, या फिर बच्चे बाहर भाग गए। देखो, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता है, चलो। बेला, भैया बहुत भूख लगी है। मुझे भी, पर अभी खाने का मत सोचो, आ जाओ मैं तुम्हें सुला देता हूँ।
हाँ बॉस, बच्चे मिल गए हैं, क्या करना है? ठीक है बॉस। मुझे तो उन बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, न जाने किस हाल में होंगे। सब कुछ इस आदमी की वजह से हुआ है, खुद तो मर गया, बच्चों को मुसीबत में छोड़ गया। सर, सभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है, शहर के कोने कोने में तलाशी हो रही है उन बच्चों की। गुड, वेरी गुड। शाहरुख साहब क्या कहते हैं? अभिजीत 0.22 की गोली से मारा गया इस आदमी को, भी कोई 10-15 मीटर के फासले से। खैर गोली वोली कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। बस ये देखो, ये इसके हाथ पर ये निशान। ये तो काटने का निशान है। हाँ अभिजीत, ये निशान दांतों के काटने का ही है। मतलब किसी ने इसे गोली मारी और काटा भी। ये जो भी कोई है बड़ी ही नफरत करता होगा इसे। रेडिक्स, दांतों के निशान बहुत छोटे हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, खूनी कोई छोटे दांतों वाला होगा। अपने विवेक के दांत भी तो छोटे। विवेक जरा मुंह खोल के दिखा दे डॉक्टर साहब को। फ्रेडी, ये दांतों के निशान किसी बच्चे के हैं। बच्चे के? ओ, मतलब शायद उन दोनों बच्चों में से किसी एक ने इस आदमी को काटा होगा जब ये आदमी उनको किडनैप कर रहा था। वेरी गुड डॉक्टर तारिका, क्या इन्फॉर्मेशन दी है आपने। अच्छा कुछ और मिला है क्या आपको? डेटाबेस में चेक किया कि इस आदमी के बारे में? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर तारिका ने डेटाबेस चेक नहीं किया है, डॉक्टर सालूकी ने चेक किया है। अच्छा तो आप ही बता दीजिए। कुछ नहीं मिला। क्या? यस बॉस, ना तो फिंगरप्रिंट्स मिले ना डीएनए मिला। ये कोई पुराना पापी नहीं है। मतलब सर और कोई तरीका नहीं है हमारे पास ये जानने का कि ये आदमी था कौन? एक तरीका है। देखा, डॉक्टर तारिका के रहते हुए तरीकों की कमी नहीं है लैब में, लाश से कुछ ना कुछ निकलवा ही लेती है। हाँ जी, क्या तरीका है तारिका जी? इसकी पैंट में से हमें कुछ रेत और ये सूखे प्रॉन्स के टुकड़े मिले। अरे वही प्रॉन्स जो मेरी वाइफ बनाती है लंच में, मेरे भी है। रेत और प्रॉन्स? बच्चों के घर आने से पहले कहीं आदमी समंदर के पास गया था क्या? सर इन कपड़ों से तो मछली की बदबू आ रही है। हाँ ताशा, बासी मछली की बदबू जो कि अक्सर उन लोगों के कपड़ों में से आती है जो दिन रात मछलियों के बीच रहते हैं। ये आदमी मछुआरों के इलाके में से तो नहीं है? हो सकता है। चल चल के पता कर लेते हैं। हेलो भगत भाई, क्या करे? देखा है कहीं, जाना पहचाना लग रहा है। देखा है कहीं? देखा है कहाँ पर? यही कहीं, याद नहीं आ रहा कहाँ। मालूम है? याद नहीं आ रहा। और वोट कहाँ पर है यहाँ पर? ये इधर ही बाजू में, इधर देखना। सुनिए भाई साहब। हाँ बोलिए। इस आदमी को यहाँ पर कहीं देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। हाँ नहीं देखा था। किसी बोर्ड में नहीं? ना नहीं देखा। अरे सुनो भाई जरा, इस आदमी को देखा पहले कभी? क्या हुआ ऐसे? मर चुका है तो ध्यान से देखो, देखा इसे यहाँ पहले? अरे तो देखा। हाँ साहब। कहाँ पे देखा? साहब बोर्ड पर देखा ऐसे। बोर्ड पे? कौन सी बोर्ड? सर एक नया आदमी आया इधर, राजीव, उसी की बोर्ड पर देखा है। राजीव, चल लेके चलो हम इस बोर्ड पर। अच्छा ये राजीव मछुआरा है क्या? नहीं साहब, पता नहीं कहाँ से अपने बोट लेकर आ गया, तब से इधर रह रहा है। कहाँ पे है? बुरा हाल साहब, राजीव अपनी बोट पर। राजीव, और राजीव आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्यों शोर मचा रहा हूँ? हाँ बोलो, क्या चाहिए? ये लोग सीआईडी से हैं। क्या सीआईडी?
तेरे पास हो गया ओलंपिक्स की तैयारी मेडल नहीं लेगा क्यों भाग रहा था क्यों भाग रहा था हमें देख के साहब वो बोट मैंने गैर कानूनी ढंग से खरीदी थी साहब आप मुझे जेल ले जाना है मुजरिम हो तो ऐसा है हम तो यहाँ तेरी मदद मांगने आए थे तूने अपनी कुंडली खोल के हमारे सामने रख दी है अब ये बता साथ में वो जानता तेरे बोट पे देखा गया था साहब को ये तो विक्की है साहब विक्की पर क्या हुआ ऐसे साहब मर गया क्या हाँ मर चुका कैसे जानते हो क्या करता था ये पता नहीं साहब पता नहीं मतलब तुम किसी को भी अपने बोर्ड पे ऐसे ही रख लेते हो नहीं साहब इसने मुझे पैसे दिए थे साहब और बोला था दो हफ्ते के लिए अपने बोर्ड पे रख लो शायद वो किसी से छिपना चाहता था साहब अच्छा उसका कोई एड्रेस कोई फोन नंबर है तुम्हारे पास नहीं साहब पर एक दिन उसको मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था साहब किसी से क्या क्या कह रहा था सेंट्रल जेल साहब शायद वो वहाँ पर किसी से मिलना चाहता था साहब सेंट्रल जेल अपने आने की तकलीफ क्यों की मुझे बुला लिया होता हमें आपकी मदद चाहिए हमारी सीआईडी को हमारी मदद की जरूरत जी हाँ एक्चुअली पिछले महीने यहाँ पे एक विक्की नाम का आदमी आया था हमें ये पता करना है वो यहाँ पे किससे मिलने आया था बस इतनी सी बात ये जानकारी तो आप लोगों को हमारे रजिस्टर से मिल सकती है तो क्या हम वो रजिस्टर देख सकते हैं जी बिल्कुल बाप रे इतने सारे रजिस्टर्स इनमें तो विक्की का नाम ढूंढते ढूंढते महीना लग जाएगा सर कोई बात नहीं सर आप अकेले थोड़ी ना है मैं और विवेक है ना आपकी मदद करेंगे चलो चलो, चलो चलो जल्दी देखो एक एक एंट्री अच्छी तरह से देखो विक्की कोई लड़का नहीं लड़की है कोई बात नहीं हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग आए हो विक्की नाम के चेक बिम्मी इतनी बड़ी चल एक विक्की मुझे भी मिला सर ये देखिए 29 सितंबर को आया था यहाँ पे देखो सर और भी विक्की नाम की कोई है क्या अब बस सारे रजिस्टर चेक कर लिए कोई विक्की शिकी नहीं है इसका मतलब वही विक्की होगा जो दया को मिला है सर ये विक्की किसी मन्नू नाम के कैदी से मिलने आया था मन्नू नहीं नहीं ये नहीं हो सकता अरे मन्नू का नाम सुनते ही इतने चौंक क्यों गए दरअसल वो यहाँ का खतरनाक कैदी है 3 खून कर चुका है और कई बार जेल से भी भागा है तीन तीन खून कर चुका इस मन्नू से तो जरूर मिलना चाहिए वो भी अकेले में संभाल के जाइएगा कभी कभी वो पुलिस पर भी हमला कर देता है चल जल्दी चल सीआईडी वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं सीआईडी वाले मुझसे क्यों मिलने आए
तेरी कहानी सुनने आया। पिछले महीने जो आदमी तुमसे मिलने आया था क्यों आया था? क्यों? कोई भी आए जाए, तुम्हें क्या? वो मर चुका, विकी नाम था उसका, विकी। क्यों, क्या हुआ? होना क्या, सबको एक ना एक दिन ऊपर जाना ही है। मैं किसी विक्की को नहीं जानता हूं। निकलो निकलो यहां से, चले जाओ ना। दो दो बच्चों को किडनैप करने गया था वो, सीधी तरह से बताते। वरना वरना क्या करेगा, क्या करेगा तू? मारेगा। वैसे भी अगले साल मुझे फांसी लग रही है। फांसी से पहले तेरी टांग टूट सकती है। मारेगा मुझे? नहीं, तू मुझे मारेगा। सिर्फ एक टांग और दो हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। तोड़ के दिखाना, दिखाना तोड़ के। क्या बोला? क्या नहीं? बोल। क्या? क्या बोला? छोड़ो उसे। क्या? छोड़ो उसे। इस बार, अगली बार। ये जेल है, कुछ नहीं कर सकता है, समझ गया? निकल निकल यहाँ से। जा, चल। बड़ा टेढ़ा है ये, लेकिन किसी और तरीके से इसका मुंह खुलवाएंगे हम। चलो चलो फ्रेडरिक, ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो। मैं इस मन्नू के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। वो रहता कहाँ था, किससे मिलता था, क्या खाता था, क्या पहनता था, सब कुछ जानना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी। ये एसीपी साहब की बातें भी ना मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती है। क्यों, क्या हुआ सर? अरे वो कौन से कपड़े पहनता था, कौन से साबुन से नहाता था, कौन सा तेल लगाता था, ये सब जान के हमें क्या करना है? नहीं सर, कभी कभी इन छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा सुराग हो जाता है। जानता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम दोनों का टेस्ट ले रहा था। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ अभिजीत सर, जेलर साहब का फोन था, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मन्नू कुछ बता दे, वो चोंच खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे ही होता है अभिजीत, कई कई कैदी जेल में रहते रहते अड़ियल बन जाते हैं और फिर पूछताछ करने का कोई भी तरीका उन पर असर नहीं करता। सर मुझे तो उन बच्चों की फिक्र हो रही है, या हम कोशिश कर रहे हैं कि मन्नू कुछ बता दे विकी के बारे में, और वहां वो बेचारे बच्चे पता नहीं कैसे खतरों का सामना कर रहे होंगे। वही तो, और हम कर भी क्या सकते हैं अभिजीत। वो आदमी विकी, वो तो मर गया, और उसके बारे में जो जानता है मन्नू, वो जेल में बैठा है मगर बोलने के लिए तैयार नहीं। सर मुझे तो लगता है ये मन्नू मालिनी और उनके बच्चों के बारे में जरूर कुछ जानता है। सर आपने देखा था ना, जब हमने मालिनी का नाम लिया तो कैसे वो हड़बड़ा गया था। हाँ, एक्टिंग कर रहा था वो, जैसे कि वो मालिनी को जानता ही। सर ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट दीजिए मुझे इस मन्नू के साथ उस जेल के लॉकअप में, फिर देखिए सर कैसे ये सच बोलता है। दया, ऐसा नहीं कर सकते, वो जेल में सजा काट रहा है खून करने की, और हमारे पास ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम जाकर उसे डरा धमका कर उससे किसी और केस के बारे में पूछताछ करें। हम नहीं कर सकते ऐसा। तुम लोगों को कुछ मिला क्या मन्नू या विकी के बारे में? नहीं सर, जो तीन खून मन्नू ने किए हैं, ना तो उसका विकी से कोई लेना देना है और ना ही मालिनी से। फिर तो सर हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है उससे सच उगलवाने का। कैसा? सर अगर हम उसे रिश्वत दे तो? क्या रिश्वत? रेडी, अपना मुंह बंद रखो, मच्छर बुझाएंगे अंदर। आपको मालूम है ना सर, रिश्वत लेना और देना दोनों गैर कानूनी है। इस गुनाह के लिए मैं आपको आपको क्या गिरफ्तार कर सकता हूं सर। फ्रेडरिक, अबे बता क्या कह रहे थे तुम? सर मैं कह रहा था कि अगर हम उसे कहें कि अगर वो सच बोल देता है तो हम उसकी बाकी की सजा जो है माफ करवा देंगे अदालत से। आइडिया बुरा नहीं, कोशिश करके देखते हैं। हेलो जेलर साहब, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से। हाँ प्रद्युमन जी, कहिए कैसे याद किया? देखिए मैं मन्नू से बात करना चाहता हूँ, क्या वो बोल पाएगा फोन पर? कोई फायदा नहीं एसीपी साहब, बड़ा धीट आदमी है वो, कुछ नहीं बोलेगा। फिर भी और एक बार कोशिश करना चाहता हूँ मैं,
ठीक है, जैसे आप चाहे। यस सर। मनु को लेकर आओ। जी सर। टेलीफोन है। ये चल। मनु। हाँ मनु, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से। एसीपी, बार बार अपना वक्त और मेरी नींद क्यों खराब करते हो? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे विक्की शिक्की के बारे में कुछ नहीं कहना है। मनु मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हारी बची हुई सजा कम करवा दूँ तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है मनु, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मेरी सजा माफ करा दो, मैं विक्की के बारे में सब कुछ बोल दूंगा। देखो मनु, बात यह है कि इन सब बातों के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तुम्हारे पेपर्स हमें कोर्ट में पुट अप करने पड़ेंगे, जज साहब की दस्तखत लेनी पड़ेगी, है ना? मनु को अपनी माँ की बात पर भी भरोसा नहीं है, तुम तो फिर भी पुलिस वाले हो। हेलो हेलो मनु, ये सीआईडी वाले बिना तुमसे भी ज्यादा बड़े मामू हैं। ये चल, ये ले चल, ले चला। काफी चालाक है सर, मगर फंस जाएगा हमारे प्लान में। हाँ, मगर थोड़ी समझदारी बरतनी पड़ेगी अभिजीत। मतलब सर, हम लोग उसकी बात मान लेंगे? अरे मालिनी जी, क्या आपके बच्चे वापस आ गए? नहीं, बेचारी नीलिमा शहर के कोने कोने में बच्चों को ढूंढ रही है। मगर मैं तो आप लोगों से पूछने आई थी कि आप लोगों को कुछ बच्चों को पता चला। देखिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको इन्फॉर्म कर दिया है। टीवी और न्यूज चैनल वाले भी ये एड्स लगातार दिखा रहे हैं। घबराइए मत, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा। जैकी, क्या शॉट मारा ला? ठीक गया तू? मार्केट का भाव पता लग गया, अभी इधर से मार इसको। रुक रुक रुक, अरे मार रे। अंकल, क्या? हम लोगों को बाथरूम जाना है। ए छोड़े, बोल दे इनको। कहा था ना कि वो लोग पे नजर रखना। अरे क्या करता मैं, क्या करता उस समय? अरे देखिए, हाथ पे काटा है। अबे क्या किया मैं बताऊं आपको?
अगली बार अपने खाता ना सबका डालूंगा, सही बोल रहा हूँ मैं। दादा महेश मास्टर उस तरफ देख, मैं वहां देखता हूँ, ज्यादा दूर नहीं गई। कुछ नहीं होगा, मैं यू गई और यू आई। चलो आप जल्दी घर चलो, मामा के पास जाना है ना? मासी, गुंडे! तुम दोनों चुप जाओ और जब तक बाहर ना बोले ना तब तक बाहर मत निकलना, ठीक है? चलो चुप चुप। बच्चों निकलो, चल। एसीपी साहब, आपने मनु से क्या बात की? उसकी सजा माफ करवाने वाले हैं आप? जी हाँ, ये रहे उसके रिलीज ऑर्डर्स। पर इस पे कहीं पे भी कलेक्टर की साइन नहीं है। जी हम जानते हैं, लेकिन ये सब मन्नू को समझ में नहीं आएगा। समझ गया है। सर, गाड़ी तैयार है सर, जल्दी से ले आइए उसे। आप लोग उसे बाहर ले जाने वाले हैं? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए, जब तक वो सच उगल ना दे। फ्रेडिक्स, ताशा, विवेक, तुम लोग तीनों बाहर खड़े रहो, भीड़ देखकर कहीं उसे शक ना हो जाए। ये सर, चले चले। मनु, 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 उठो, तुम्हारी बाकी की सजा माफ हो गई है।
कौन सा नया नाटक शुरू किया इसने? बोला बाहर निकालो उसे। जी। मनु, मनु, कुछ कर मैं, मनु, सर, हम लोग को आने में लेट हो गई है, इज डेड, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक दो तीन 10 20 30 40 50। सर ये क्या गिन रहे हैं? सोच रहा था कि मेरे अकाउंट में अचानक 3 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो क्या होगा। 3 करोड़ रुपए अचानक से? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, अरे ऐसा हुआ है। मुंबई के भुलेश्वर एरिया में एक परिवार के अकाउंट में अचानक 3 करोड़ रुपए आ गए, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सर पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये जानने के लिए तुम्हें सुख बाय चांस नाम की सीरियल देखनी होगी, अपने सोनी टीवी पे आ रही है 10 नवंबर से। फिर तो मैं जरूर देखूंगी। अभिजीत, इस आदमी को जहर से मारा गया बॉस। जहर से? खाने में था क्या जहर? नहीं, जहर पेट के जरिए नहीं पहुंचा है, जहर इसके हाथ के जरिए पहुंचा है। हाथ से जहर? मैं समझा, आओ मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये इसके हाथ पर ये जख्म देख रहे हैं आप लोग? अभिजीत, इस जख्म के जरिए इसकी बॉडी में जहर फैलाया गया। सर लगता है कि ये जख्म किसी नुकीली चीज से किया गया हो, जैसे कि कोई कील। जख्म जिस चीज से किया गया है उसी पर जहर भी लगा हुआ है। इस तरह से एक छोटे से जख्म के जरिए खूनी ने जान ले ली इस मन्नू की। जेल के अंदर ऐसा काम कर कौन सकता है? हाँ जी। अच्छा, और क्या कहा डॉक्टर सालुंकर ने? ओह ठीक है, ओके। इस मनु की मौत जहर से हुई है। जहर? जेल में? हाँ सर, उसके बाएं हाथ में एक घाव था जिससे जहर बॉडी के अंदर घुस गया और सीधे दिल तक पहुंच गया। बहुत जल्दी असर करने वाला जहर है सर। कब हुई मौत उसकी? दे सर, हमारे यहाँ पहुंचने से करीब 15-20 मिनट पहले। हमारे यहाँ पहुंचने से 15-20 मिनट पहले? बात मेरी समझ में नहीं आती, इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई जहर कैसे दे सकता है? यही तो पता लगाना पड़ेगा जिला साहब, ये सब हुआ कैसे? शायद आपके डिपार्टमेंट में किसी आदमी का हाथ हो इसमें। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? जिला साहब जरा बताइए, मन्नू हमारे आने से पहले सुबह कर क्या रहा था, उसका टाइम टेबल क्या था? सर सुबह विजिटिंग आवर्स थे तो क्या उसे कोई मिलने आया था? एक मिनट सर। जी सर। बोला विजिटर्स रजिस्टर ने क्या? राइट सर। जो भी आया था उसी ने जहर दिया है। नहीं सर, वो विजिटर्स में जाकर बैठा था लेकिन कोई मिलने नहीं आया। कोई मिलने नहीं आया, फिर भी वो वहां विजिटर्स रूम में जाके बैठा है, तो फिर शायद कोई मिलने आने वाला होगा ना, तभी तो वहां जाके बैठा वो। हाँ, और जैसा आप कह रहे हैं, अगर कोई भी नहीं आया था तो फिर उसे जहर दिया किसने? नहीं, आप प्लीज जरा अपना रजिस्टर चेक कीजिए, देखिए क्या सबके नाम बराबर लिखे हैं। ऑफकोर्स सर, ये भी तो हो सकता है कि कोई मिलने आया तो था मगर किसी ने रजिस्टर में उसका नाम लिखा ही नहीं। हाँ ये भी हो सकता है। कॉन्स्टेबल कौन था वहां पे? मैं हूँ राजकुमार। राजकुमार को बोला क्या? जी सर। राजकुमार, राजकुमार, अच्छा तुम लोगों ने मन्नू को किसी से बात करते हुए देखा या किसी से मिलते हुए? जी नहीं, कोई नहीं था।
अगर कोई होता तो हम उसका नाम जरूर लिखते रजिस्टर में सर। ठीक है, जाओ तुम लोग। जी सर। तो बताइए जिलर साहब, ये सब हुआ कैसे? किसी ने तो जहर दिया होगा मन्नू को, आप जरा ठीक से याद करके बताइए। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था, बस एक सेल में पानी लीक हो रहा था तो वहां के कैदी को मन्नू के सेल में ट्रांसफर किया था, वो भी थोड़ी देर के लिए। और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं? गुड। कौन है ये कैदी? सतीश। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसका बहुत शरीफ और अच्छा बर्ताव। अगर वो इतना ही शरीफ और अच्छा है तो फिर वो जेल में नहीं होता, समझे आप? जरा मिलवाइए उससे। सर वो तो आज ही रिहा हो गया सर। क्या, सतीश आज ही रिहा हो गया? यस सर। ये कैसे हो गया जेलर साहब? बड़ी अजीब बात है, सतीश को मन्नू के सेल में ट्रांसफर किया जाता है, मन्नू जहर से मरता है और सतीश उसी दिन रिहा होता है। सतीश का मन्नू के खून से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दया, इस सतीश से मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा इस सतीश से। एक्सक्यूज मी। मान लीजिए, अच्छा हुआ आप लोग बच्चों को यहाँ पे लेके आए। कैसे हैं बेटे आप लोग? हैं? कैसे हैं ये लोग? ठीक हैं। अब बच्चे वापस मिल गए हैं, मैं नहीं चाहती किसी दूसरी प्रॉब्लम में फंसे। मालिनी जी, जिन लोगों ने बच्चों को किडनैप किया था वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। देखिए, वो लोग बच्चों को दोबारा से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, प्लीज। जी जरूर, आप पूछिए जो भी पूछना है आपको। पूछेंगे बाद में, पहले इन बच्चों को कुछ खाना पड़ेगा। आइए आइए बच्चे लोग, आइए। देखो फ्रेडी अंकल बहुत सारी चीजें लेके आई है आपके लिए। आइए आइए, जल्दी आइए। ये देखो, ये मिल्क शेक है, ये जूस है, ये केक है, ये कुकीज है। और कुछ चाहिए बच्चे? बच्चों को कुछ छोटे वगैरह तो नहीं है? नहीं, मगर कुछ खरोचे तो हैं। अंकल, उन गुंडों को पकड़ने के बाद आप उनकी बहुत पिटाई करना। ये तो भाई दया अंकल का डिपार्टमेंट है, उसके लिए हमें उनको पकड़ना तो पड़ेगा। तो आप लोग हमारी मदद करोगे क्या थोड़ा? हैं? अच्छा आप हमें बताइए कि उन लोगों ने आपको कहाँ पे रखा था? एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। बड़ी सी बिल्डिंग? बेटा आपको याद है कि वो कैसी बिल्डिंग थी? बहुत गंदी बिल्डिंग थी, बहुत सारा कचरा पड़ा था उधर, और डिब्बे रखे थे। और कुछ बता सकते हो उस जहाँ पे रखा था उसके आसपास आसपास क्या था? एक ग्लास की बिल्डिंग थी और एक मेला लगा था बिल्डिंग के पास। अरे हाँ सर, ये मेला तो चार बंगले में लगा हुआ है। मेरी वाइफ बार बार जिद कर रही है वहाँ पे जाने की। सर, फोर बंगलोज में एक ग्लास की बिल्डिंग भी है और कुछ गोडाउन भी है वहाँ पे। ग्रेट, एक काम करो, आप लोग हमारे साथ चलोगे? हैं? हम आपको वो जगह दिखाते हैं, आप लोग बताना कि वही जगह है जहाँ पे आपको रखा था क्या? हैं? चलेंगे? कम ऑन, चलिए चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। देखिए आप क्यों जबरदस्ती गुस्से चले आ रहे हैं, क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं। फिर मैं आपको जानता हूँ। सतीश ना? देखिए आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। चलिए हमें आपसे बात करनी है। देखिए मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता। अरे हाथ छोड़िए मेरा। देखिए हाथ छोड़िए, मैं यहीं पे हल्ला मचा दूंगा। अच्छा मचाओ, हल्ला मचा। आप चाहते क्या है? मैं सीआईडी चल, समझा? चल। क्या कह रहा है ये? टेढ़ा हो रहा सर ये। अरे
क्या बोला? बात कर। मैं कुछ नहीं बोला सर। हाँ बात कर। बोल। मुझे जाने थी, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता सर। मन्नू को क्यों मारा तुमने? मैंने मन्नू को नहीं मारा। जहर क्यों दिया मन्नू को? सर मैं उसे जहर क्यों दूंगा? मेरी सजा तो खत्म होने वाली थी सर, मैं किसी और मुसीबत में क्यों पड़ूंगा? क्योंकि मन्नू के मरने से पहले आखिरी इंसान तुम ही थे जो उसके साथ था। अब बताओ क्या कहा मन्नू ने तुम्हें? सर वो कह रहा था लेना चाहिए उसे, नहीं खाना है ये। क्यों, आज तेरे को भूख नहीं लगी क्या? अगला खाना तो जेल से बाहर निकलने के बाद ही खाऊंगा। लगता है बीवी की याद में इसका दिमाग घूम गया। मत खा। यहां से निकलने के बाद ना राजा की जिंदगी जीऊंगा मैं, राजा की। एक मुट्ठी में सीआईडी और दूसरी में दुनिया जहां की दौलत। उसके बाद हमें विजिटर्स रूम में ले जाया गया और वहां कुछ अजीब हुआ। कल याद से मुझे लेने आ जाना, ठीक सुबह 8 बजे, ओके? फिर एक लड़की मिलने आई मनु से। इतनी जल्दी यहाँ आ गई? मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। सॉरी, शायद मेरी अंगूठी लग गई। अगली बार जब आओ तो अंगूठी उतार कर आना। चलो वहां बैठकर बात करते हैं। फिर इन दोनों ने एक दूसरे के काम में क्या बात की? मुझे कुछ नहीं पता। खड़ी बैठ। सर, डॉक्टर सालुके ने कहा था कि जहर उसके हाथ पे लगे जख्म से अंदर गया था। ना, मुझे लगता है उस लड़की ने वो नुकीली अंगूठी उसके हाथ में चुभा दी। उस नुकीली अंगूठी में ही जहर होगा। सर ये लड़की उसी वक्त कैसे पहुंची मन्नू को मारने? क्योंकि शायद वो जान गई थी था कि मन्नू हमारे सामने अपना मुंह खोल देगा। मतलब सर जेल में कोई है जो सारी बातें जेल से बाहर भेज रहा था? जेल में कोई खबरी है? बिल्कुल है। याद है मन्नू ने कहा उस लड़की से कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? इसका मतलब ये है दया कि मन्नू किसी के जरिए बाहर संदेश भेज रहा था। उस मन्नू ने गलती से उस लड़की को बोल दिया कि हम लोग विकी के बारे में पूछताछ। डर गई थी वो कहीं ये मन्नू अपनी जुबान न खोल दे। ऐसे में तो हो सकता है कि विकी के खून में भी इस लड़की का ही हाथ। बिल्कुल होगा। कल ये पता लगा थी कि मन्नू ने संदेश भेजा कैसे था। रेडी, लिस्ट चेक करो, देखो कितने गोदाम पर। यस सर। सर अब तो सिर्फ एक ही गोडाउन बचा है सर, अगर ये वाला गोडाउन भी नहीं होगा तो क्या? फ्रेडी कहीं और जाके देखेंगे। यस सर। बेटा ध्यान से देखो, यही है वो जगह? हाँ अंकल, यही वो जगह है। यही है? मान लीजिए आप बच्चों को लेकर यहीं पे रुके, तब तक हम लोग अंदर देखते हैं, क्या पता वो लोग अभी भी वहीं पे हों। यहाँ तो कोई चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। तो ये देखिए, लगता है उन बच्चों को यहीं पे बांधा गया। अच्छा काम करो, ये बच्चा बखाना एविडेंस बैग में डाल दो। अफेडी पता करो ये गोडाउन है किसका। यस। सर ये सतीश कह रहा था कि उसने मन्नू को इस औरत से बात करते हुए सुना था कि बहुत जल्दी आ गई तुम। इसका मतलब है सर मन्नू की इस औरत से पहले बात हो चुकी थी।
मतलब वहां मिलने से पहले। या तो ये मन्नु इस औरत से पहले मिला या फिर किसी और ने आकर उसे कहा कि वो औरत उससे मिलने वाली है। सबसे हैरत की बात यह है कि उसने रजिस्टर में नाम कैसे नहीं लिखा। सिंपल बात है, उस औरत ने मन्नु के बदले में किसी और कैदी का नाम लिख दिया, इसके लिए इनके कांस्टेबल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ सर, वो औरत जरूर मन्नू को मारने के लिए आई थी सर यहाँ। हाँ विवेक, मगर पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि मन्नू ने संदेशा भेजा कैसे बाहर, कोई मोबाइल फोन से तो नहीं छुप कर। नहीं सर, मोबाइल होगा तो भी चलता नहीं होगा क्योंकि जेल में जैमर्स लगे हुए हैं। सतीश ने क्या कहा था, मन्नू क्या बोल रहा था कि उसके एक हाथ में सीआईडी और एक हाथ में डॉलर। सर सतीश ये भी कह रहा था कि मनु ने खाना नहीं खाया था। एक मिनट, मनु ने खाना नहीं खाया था। दया, कुछ समझे? क्या सर? खाने से भरे प्लेट में उसने कुछ छुपा के भेज दिया। और भरे हुए प्लेट में संदेशा भेजना बड़ा आसान है। लेकिन वो संदेश था किसके लिए सर? अरे हरिया, नमक ला जल्दी जरा। अरे यार, तेरे को कल ही बोला था ना, नमक खत्म हो गया। चल खिला दे सबको बिना नमक का खाना। अरे ऐसे कैसे खिला दे, नमक आराम हो जाएंगे सारे कैदी। ये ले दोपहर की खाने की प्लेटें, दो जल्दी इसको। अरे यार, सुबह नाश्ते की प्लेटें अभी खत्म नहीं हुई कि दोपहर की प्लेटें भी आनी शुरू हो गई। साहब मैं आता हूँ अभी टॉयलेट करके। हाँ जल्दी आओ। हाँ साहब। मैं जानता हूँ कि तूने मन्नु की मदद की थी। अगर आज रात पानी की टंकी के पास मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं सीआईडी को बता दूंगा। मिस्टर सतीश, जी 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 जी, हाँ 3-4 महीने में पोजीशन मिल जाएगा, पक्का पक्का। नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ओके ओके, सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की। चार बंगले में आपका एक गोडाउन है ना? जी हाँ है। तो फिर चलो हमारे साथ। लेकिन कहाँ? तुम्हारे ससुराल जेल में। और कहाँ? क्यों, गोडाउन होना कोई गुनाह है क्या? गोडाउन होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गोडाउन में बच्चों को किडनैप करके रखना गुनाह है। किडनैप? क्यों बच्चों, किडनैपिंग का नाम सुनते ही पंचर हवा निकल गई क्या? पर मैंने तो किसी को किडनैप नहीं किया। आपको नहीं पता तो फिर वो दो मासूम बच्चे गर्व और बेला, वो आपके गोडाउन में क्या कर रहे थे? अब मैं क्या बताऊं आपको, ये गोडाउन तो मेरे जी का जंजाल बन गया है। आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पर होती रहती है। किस तरह की गड़बड़? लोग नकली शराब के डब्बे वहां छोड़ जाते हैं, जेल से भागे हुए कैदी वहां पनाह ले लेते हैं, कुछ लोग तो स्मगलिंग का सामान छोड़ जाते हैं। देखो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, इतनी तकलीफ है तो सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखा गोदाम में? सर बहुत सिक्योरिटी गार्ड रखे थे लेकिन कोई टिकता ही नहीं, सब भाग जाते हैं। कहते हैं कि उस गोडाउन में आत्माएं घूमती रहती। आत्माएं? मैं सच कह रहा हूं सर, मेरा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है। आप चाहे तो पुलिस स्टेशन में जाकर पूछ सकते हैं, मैंने कितनी बार FIR लॉन्च करवाई है इन गैर कानूनी कामों के खिलाफ। वो तो हम पता कर ही लेंगे, मगर वो कौन है जो गोदाम का इस्तेमाल कर रहा है बच्चों को किडनैप करके रखने के लिए?
पता नहीं किसने मुझे चिट्ठी भेजी थी, वो कहीं जेलर साहब को ना पता चल गया हो। यहाँ पे ये तो जेल से छूट गया था, फिर धमकी क्यों दे रहा है मुझे? धमकी देता है मुझे? नहीं क्या? गला काट दूंगा तेरा अगर किसी के सामने चोंच खोली तो। उसका गला काटेगा तो तेरा गला कौन बचाएगा? सीआईडी, भागते कहाँ हो डाकिया बाबू, एक दो संदेशा हमारा भी पहुंचा दो। क्या संदेशा भिजवाया था तुमने मन्नू के कहने पे? हा? उसने एक नंबर लिखा था कागज पे और कहा फोन करके बोलो कि किसी आईडी वाले आए थे मिलने के लिए, जल्दी आओ। क्या नंबर था वो? नंबर क्या था? वो नंबर 1110077777 1111007777। हाँ जी, क्या पता चला किसका नंबर है? सर मुझे लग रहा था ये उस लड़की का नंबर होगा जिसने मन्नू का फोन किया है, मगर वो नंबर विक्की का ही निकला। क्या? विक्की का नंबर? मगर विक्की तो मर चुका है। हाँ सर, विक्की के मरने के बाद विक्की के नाम पे फोन लिया गया। नहीं दया, विक्की का फोन कोई और इस्तेमाल कर रहा है। सर फिर तो ये वही खूनी होगा जिसने विक्की को मारा और उसके बाद उसके जेब से सारा सामान निकाल लिया। और जैसे ही मन्नू ने उसे धमकी दी कि तूने विक्की को मार के अच्छा नहीं किया है, उसने लड़की को जेल में भेजा और मन्नू का काम तमाम किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मन्नू ने उस आदमी को हमारे बारे में बताया होगा, तो शायद डर के मारे उसने फटाक से इस मन्नू को मरवा दिया ताकि वो सच ना उगल दे। हाँ, मगर विक्की उस आदमी से मिलने ही क्यों जाता था? और इस सब का उन मासूम बच्चों के साथ क्या कनेक्शन? और तो और सर, विक्की का फोन बंद आ रहा है, लगता उस खूनी ने कहीं फेंक दिया फोन को। कोई बात नहीं, पता करो ये विक्की किस किस के साथ फोन पे बात करता था और किसके साथ ज्यादा देर तक बात करता था और कौन उसके दोस्त है और कौन उसके दुश्मन। सर पिछले दो हफ्ते में 30 बार फोन किया था विक्की ने सौरभ को। मतलब? हाँ सर, जब मुझे पता चला तो मैं भी जरा हिल गया था सर कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोग जानते हैं सौरभ को? हाँ सर। कौन है ये? मालिनी। कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं बस, विक्की ने लगातार कई बार इस मालिनी को फोन किया था। मालिनी कह रही थी कि वो विक्की को जानती है। हाँ, तभी तो मैं कह रहा था जब मुझे पता चला तो मैं भी जरा हिल गया था कि इस मालिनी ने हमसे झूठ क्यों बोला। चलो पता लगा थी ये चक्कर क्या है। मालिनी, अरे लगता है हमारे पहले ही यहाँ कोई पहुंच गया। नीलिमा या मालिनी को कुछ हो तो नहीं गया? देखो जरा। मालिनी, मालिनी, नीलिमा, कोई नहीं सर। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज चले जाइए यहाँ से। चले जाओ? ये आप क्या कह रही हैं? आप रो क्यों रही? पर आपके बच्चे कहाँ? आप सीआईडी वालों की वजह से बोलो मेरे बच्चे और मेरी बहन को दोबारा पकड़ के ले गए। प्लीज इस केस को ड्रॉप कर दीजिए वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन लोग? आप किसकी बात कर? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। देखिए आप भरोसा रखिए, हम आपके बच्चों को लेके आएंगे। देखिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपके आगे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज इस केस को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चों पे तरस का ये, प्लीज इस केस को छोड़ दीजिए। चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। मेरे को बच्चों को बचाना है, मुझे अपने बच्चों को बचाना है। <laughs>
ये किसका फोटो है? मेरे पति का। आपके पति का? वही ना जो कनाडा में है? जी हाँ। इतना सब कुछ होगा और आपने उन्हें बुलाया? जी वो किसी काम में बहुत बिजी है, इसलिए वो नहीं आ सकते। कमाल है, अपने बीबी बच्चों से ज्यादा जरूरी कोई काम हो सकता है? मेरे पति है, वो आए या ना आए इसे आपको क्या मतलब है? वो कनाडा में होंगे तो ही आएंगे ना। क्या मतलब? मतलब मालिनी जी, जो लाश आपके घर से मिली है विक्की की, तो जानते हो हमें कहां तक ले गई? सीधे सेंट्रल जेल तक। वहां पर हमें एक फोटो मिली कैदी। जानती हो वो कैदी कौन है? तुम्हारा ही पति। जी हाँ, मेरे पति जेल में है और दो दिन के बाद उन्हें फांसी होने वाली है। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला था पहले? अपने बच्चों को उनके पिता के बारे में असलियत कैसे बता दें? इसलिए कनाडा की झूठी कहानी बता दें। क्या गुनाह क्या किया है आपके पति? उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें तो फंसाया गया था। हम केस जीतने ही वाले थे कि ये सब हो गया। देखो मालिनी, सच सच बताओ ये क्या चक्कर है, तो ही हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, समझे? बताओ जी। जी एक दिन मेरे पति एक बार में गए थे तो वहां पे उनका किसी आदमी से झगड़ा हो गया और वो आदमी उनका दुश्मन ही था, मगर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने ही वाले थे कि उस आदमी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और वकील ने ये प्रूव कर दिया कि उन्होंने प्लानिंग के साथ इस आदमी का कत्ल किया है। पर खून तो झगड़े में हुआ था ना? जी हाँ, अनजाने में हुआ था खून, वो उसे मारना थोड़ना चाहते थे। उन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एम्बुलेंस में ले जाते वक्त मेरे पति ने उसे जहर दिया था। मतलब उस आदमी को चोट भी लगी थी और जहर भी दिया गया था। अब एम्बुलेंस में कोई और भी था उसके साथ? जी हाँ, बार का ही एक आदमी था, मगर उस पर कोई क्यों शक करेगा कि उसी ने तो मेरे पति के खिलाफ गवाही देके उसे फंसा दिया। नाम क्या था उस आदमी का? जी मन्नू। मन्नू? अच्छा, तो ये आपके बच्चों को किडनैप करना तभी शुरू हुआ जब आपका वकील केस जीतने वाला था? जी हाँ। एक बात बताओ, क्यों ये लोग तुम्हारे पति को फंसाना चाहते थे? हैं? क्या उसके पास पैसा है, जायदाद? बस एक मकान है उनके पास और उसके पीछे भी दिनेश नाम का एक बिल्डर पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि वो मकान नहीं बेचना चाहते हैं, पर दिनेश एंड सन्स। सर, उन बच्चों को जिस गोदाम में रखा गया था वो इस दिनेश का ही तो था। इसका मतलब ये सारा प्रॉपर्टी का चक्कर है। चलिए सर, इस दिनेश से भाव डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी का। इन दोनों बच्चों को भी रस्सी से बांध दूं क्या? पहले भी बांधा था, कुछ फायदा हुआ?
क्या खाक फायदा होता बॉस? पिछली बार मेरे हाथ में काटा था इसने, लेकिन बेटा इस बार नहीं काट सकता क्योंकि मैंने टिटनेस का इंजेक्शन लगा रखा है। चुप! तुम दोनों जोकर किसी काम के नहीं हो। इसे हाथ भी मत लगाना वरना दयांकल मार मार कर चटनी बना देंगे। चटनी बना दे। मैंने बहुत दया देखे हैं, तीन चार दया तो मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। तुम कब से जेब में रहने लगे? और तू, तुझे तो मैं बाद में देख लूं। ये ऊपर से आवाज कैसी है? जाओ जल्दी जाकर देखो, जल्दी। छोटू अब तक आया क्यों नहीं? तुम जाओ जाकर देखो। बॉस छोटू इधर नहीं है। बॉस मुझे लगता है वो टॉयलेट करने भाग गया होगा। अब तो सीआईडी आदि कुछ नहीं है। छोटू का भी बैंड बजाना पड़ेगा। तुम ऊपर का ध्यान रखो, उधर से कोई भी आना नहीं चाहिए। और तुम पीछे के दरवाजे का ध्यान रखो। ओके बॉस। कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ओके। और तुम लोग कोई हरकत नहीं करोगे। कोई हरकत नहीं करोगे। दिनेश जी कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी में है? मालिनी के पति को खून के इल्जाम में फंसा दिया तो वो फांसी पे चढ़ जाता और तुम्हारी तो चांदी चांदी हो जाती, प्रॉपर्टी मिल जाती तुम्हें, है ना? तो बताओ क्या था ऐसा उस छोटी सी प्रॉपर्टी में जिसके लिए तुमने इतना सब किया, बताओ। वो कोई मामूली प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर अगर वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती तो मेरा करोड़ों का टेंडर पास हो जाता। लेकिन लेकिन मालिनी का पति उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और मन्नू, उसको क्यों मरवा दिया? उसने तो तुम्हारे लिए झूठी गवाही दी थी ना मालिनी के पति के खिलाफ। वो बहुत ज्यादा पैसे मांगने लग गया था। कंफ्यूजन है सर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। इनसे पूछो ना वो लड़की कौन थी जो मन्नू को मारने आई थी जेल में। अभी तक नहीं समझे तुम फ्रेडरिक्स? क्यों नीलिमा मौसी, अब खुद बताएंगे या हम बुलवाएं? क्या इसने जहर दिया था मन्नू को? हाँ फ्रेडरिक्स, इसी ने। नीलू, नीलू ये लोग क्या कह रहे हैं? हाँ ये लोग क्या कह रहे हैं? सच है? मुझे माफ कर दो, पैसों की लालच में अंधी हो गई थी। क्या तूने पैसों के लिए सब किया? इन गंदे लोगों की मदद तूने पैसों के लिए की? अपनी जीरानी को जेल तक भिजवा दिया पैसों के लिए? और विक्की, उसको क्यों मारा तुमने? कि वो बच्चों को मारना चाहता था। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती थी। पहले इन लोगों ने वादा किया था कि बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब वो नहीं माने तो मैंने विक्की का खून कर दिया। नीलिमा मौसी, वाह, पैसों के लालच में तुम तो अपने सारे रिश्तों को भी भूल गई। कानून तुम्हें जो भी सजा देगा कम है तुम्हारे। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।